तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ज़ोमैटो से एकदम फ्री के अंदर जो है पिज़्ज़ा कैसे खाएं। साथ ही साथ दोस्तों, पिज़्ज़ा तो आप लोग खा ही सकते हो, लेकिन उसके साथ में अगर आप लोग कुछ भी मंगाना चाहते हो ETC, यानी कि आप फूड मंगाना चाहते हो, पिज़्ज़ा मंगाना चाहते हो, बर्गर मंगाना चाहते हो, कुछ भी फूड से रिलेटेड आप अगर फ्री के अंदर मंगाना चाहते हो ज़ोमैटो से, तो आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए कुछ मैं ऐसी ट्रिक्स लेकर के आया हूँ। अगर आप लोग उन ट्रिक्स को फॉलो करोगे तो आप लोगों को फ्री के अंदर यहाँ पर जो फूड मिलने वाला है वो भी जो है ज़ोमैटो से, और आप पिज़्ज़ा बर्गर आपको जो भी खाना है वो आप एकदम फ्री के अंदर खा सकते हो। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को वो ट्रिक बताने से पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि उसके लिए आप लोगों को कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों के वो टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर फॉलो करते हो तो ही आप लोगों को एकदम फ्री के अंदर जो है पिज़्ज़ा मिलेगा, और आप कुछ भी अगर फूड वगैरह खाना चाहते हो एकदम फ्री के अंदर तो आप लोगों को मिल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद मैं आप लोगों को 110% दावे के साथ में बोल रहा हूँ कि जो मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूँ, जो टर्म्स एंड कंडीशन आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर आप लोग उनको फॉलो करके यहाँ पर जो है फूड और पिज़्ज़ा वगैरह मंगाते हो ज़ोमैटो से, तो आप लोगों को कोई भी पैसा नहीं देना रहेगा और आप लोगों को फूड एकदम फ्री के अंदर यहाँ पर जो है मिल जाएगा। तो दोस्तों, जो ट्रिक्स है वो आप लोगों को यहाँ पर जो मैं बता देता हूँ एक एक करके। लेकिन उससे पहले, कोई चैनल को अगर पहली बार देख रहा है तो देखो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डेली यहाँ पर जो है मिलती रहती है। तो फाइनली दोस्तों, चलते हैं हमारे बैक टू द पॉइंट के ऊपर कि ज़ोमैटो से फ्री के अंदर फूड कैसे खाएं। तो दोस्तों, आप लोगों में से काफ़ी सारे बंदे ऐसे हैं जो फ्री के अंदर खाना चाहते हैं, और दोस्तों, ज़िंदगी में कभी ना कभी एक बार तो हमें फ्री का आनंद भी लेना ही चाहिए कि फ्री के अंदर खाते हैं उसका मज़ा कुछ और ही होता है। अगर आप पैसे के अंदर देकर के खाओगे तो उसका मज़ा थोड़ा सा आपको फीका लगेगा, और फ्री के अंदर आपको कुछ मिल रहा है, अगर आपको चीज़ मिल रही है अच्छी सी तो आप लोग उसको खाओगे तो आपका आनंद ही कुछ और ही होगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको वहाँ पर बता देता हूँ कि कौन कौन सी ट्रिक्स है आप लोगों को फॉलो करनी है, साथ ही साथ में टर्म्स एंड कंडीशन क्या होने वाली है। दोस्तों, एक स्टेप आपको फ्री की बताऊंगा और दो तीन स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा जिनके अंदर आप लोगों को काफ़ी कम पैसा देना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, दोस्तों आप लोगों को जाना है गूगल के ऑप्शन के ऊपर। वहाँ पर दोस्तों, आप लोगों को ढेर सारी ऐसी वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ पर 80% 90% डेली के कोड आते हैं, उन कोड को आप लोग ज़ोमैटो के अंदर अप्लाई करते हो तो आप लोगों को एकदम फ्री के अंदर फूड मिल जाएगा ज़ोमैटो से। वो कूपन आप लोगों को डेली अप्लाई करने रहेंगे और सबसे पहले करने रहेंगे। दोस्तों, कोई एक वेबसाइट नहीं है, बहुत सारी वेबसाइट है, इसलिए मैं कोई पर्टिकुलर वेबसाइट नहीं बता रहा हूँ। आप गूगल पर जाओगे तो आपको ढेर सारी वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ पर आपको डेली यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे तो हम सर्च क्या करें, आप लोगों को सर्च करना है ज़ोमैटो टूडे ऑफ़र, और उसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे कोड मिल जाएंगे। दोस्तों, पहला रास्ता तो ये है, इसके अंदर आप लोगों को सिर्फ छूट मिलने वाली है, लेकिन थोड़ा सा पैसा आपको पे करना रहेगा। अब दोस्तों, मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि फ्री के अंदर भी आपको सारा फूड एंड खिलाने वाले हैं, तो वो भी हम आपको खिलाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब सेकंड नंबर की ट्रिक के ऊपर हम लोग चलते हैं। तो सेकंड नंबर के ऊपर क्या ट्रिक होने वाली है, दोस्तों सेकंड नंबर के ऊपर आप लोगों को क्या करना है, फिर से गूगल के ऊपर जाना है। दोस्तों, वहां पर जो आपको फ्री प्रोमो कोड मिलते हैं डेली के यहां पर जो आपको 10-20 ऐसे लकी यूज़र मिल जाएंगे, वो जो है आप लोगों को वहाँ पर देंगे, ऐसे कोड वगैरह देंगे, वो कोड आप अप्लाई करोगे उस वेबसाइट के ऊपर, कंटिन्यू जाओगे तो आप लोगों को वहाँ से जो डेली फ्री में कोड यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग बोलोगे कि भाई इसको कैसे लेवें, तो मैं आप लोगों के लिए पर्टिकुलर एक अलग से वीडियो बना करके लेकर आ जाऊंगा, उसके अंदर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये कोड आप लोगों को लेने कैसे हैं, साथ ही साथ में ये आप लोगों को मिलते कैसे हैं। दोस्तों, ये वाले कोड जो है आप लोगों को एकदम फ्री के अंदर मिलते हैं, इनसे आपको 110% ऑफ के अंदर मिल जाएगा। अब दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी नंबर 3 स्टेप के ऊपर। इसके अंदर दोस्तों, आप लोगों को सीधा ज़ोमैटो से ही फ्री के अंदर फूड मिल रहा है, और दोस्तों ये जो है मैं आपको कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये ज़ोमैटो खुद आप लोगों को यहाँ पर जो फ्री के अंदर फूड, पिज़्ज़ा, आपको जो भी खाना है फास्ट फूड, वो सारी चीज़ें आप लोगों को ज़ोमैटो ही यहाँ पर जो है देने वाला है। तो दोस्तों, नंबर 3 की स्टेप हमारी आखिरी होने वाली है, तो जल्दी से मैं बोल रहा हूँ, जो वीडियो देख रहा है लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बिल्कुल फ्री के अंदर आप लोगों को खुद ज़ोमैटो यहाँ पर कैसे देगा। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग ऑर्डर लगाते हो, जैसे कि आप लोगों ने 450 रुपये का कोई भी पिज़्ज़ा मंगा दिया है, और दोस्तों आप लोगों को पिज़्ज़ा बुक करवा दिया है और पैसा आपके अकाउंट से कट गए हैं,
उसके बाद में वो फूड आप लोगों के पास में आ गया है। और दोस्तों जैसे ही आप लोगों ने उसको ओपन करा है तो दोस्तों उसके बाद में आप लोगों ने ऑर्डर दिया है, वहाँ पर आप लोगों ने उसका टेस्ट लिया है और दोस्तों आपको टेस्ट के अंदर कुछ अंतर लगा है या फिर आप लोगों का जो पार्सल है उसके अंदर आप लोगों ने मंगाया कोई सा और पिज़्ज़ा और कोई सा दूसरा पिज़्ज़ा आ गया, यानी कि आपने चीज़ वाला मंगाया है उसके जगह कोई फार्म हाउस वाला आ गया है, ऐसा कुछ अगर आप लोगों को अंतर लगता है साथ ही साथ में आप लोग उसके टेस्ट से संतुष्ट नहीं है, आप लोग वहाँ पर रेटिंग दे सकते हो कि हमारे को सड़ा बासी दे दिया है, कई बार रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं कि पुराना पिज़्ज़ा हमारे को जो दे देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार वो जाएगा थोड़ी देर के बाद में, तब तक वो ठंडा हो जाएगा और सामने वाला ये चीज़ गेस नहीं कर पाएगा कि ये ख़राब है या फिर अच्छा है। दोस्तों कई बार ऐसा रेस्टोरेंट के अंदर हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों साथ में कोई ऐसी स्थिति बन जाती है कि आप लोगों ने कुछ अलग चीज़ वाला पिज़्ज़ा करा है उसके जगह पे कोई दूसरा पिज़्ज़ा आ चुका है आपके पास में, फूड कोई और आ चुका है, तो दोस्तों वहाँ पर आप लोगों को करना क्या रहेगा, साथ ही साथ में दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि आप लोगों के यहाँ पर जो पिज़्ज़ा आपने मंगाया है उसके अंदर कुछ अलग क्वालिटी आ गई है, फिर टेस्ट के अंदर आपको थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, फिर आपको ऐसा लग रहा है कि सड़ा और बासी है, तो दोस्तों आप लोग जोमेटो के अंदर कंप्लेन कर सकते हैं, आप लोगों से फीडबैक एंड रिव्यू मांगा जाता है, उसके अंदर आप हेल्प लोगे तो आपको जोमेटो के अंदर जो चैट का ऑप्शन मिलता है वहाँ पर आप कंपनी से शिकायत कर सकते हैं और कंपनी आपको उसका जो है पूरा पैसा दे देगी और वो फूड भी आपसे नहीं लेगी, आप वो फूड भी खा सकते हो और आपको जो है पैसा भी यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों इसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है, जब आप सच हो तो आप यहाँ पर सच के ऊपर डटे रह सकते हो, इसका कोई भी इफेक्ट रेस्टोरेंट के ऊपर नहीं होता है, नहीं डिलीवरी बॉय के ऊपर होता है, कंपनी आप लोगों को सीधा यहाँ पर रिफंड देगी क्योंकि कंपनी भी चाहती है कि हमारे जो कस्टमर है हमेशा खुश रहे और हैप्पी रहे। तो दोस्तों आप लोग कुछ इस तरीके से फ्री के अंदर ले सकते हो और मैंने आपको बताया, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए, तो दोस्तों ये टर्म्स एंड कंडीशन आप लोगों के ऑर्डर के अंदर मिलती है तो आप लोग बिल्कुल फ्री के अंदर जोमेटो से पिज़्ज़ा खा सकते हैं, साथ ही साथ में लंच और डिनर भी कर सकते हैं। तो फाइनली इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत सारा नॉलेज मिला है कि कैसे एकदम फ्री के अंदर हमारे को जो है पिज़्ज़ा फूड बर्गर सारी चीज़ें हमारे को जो है खानी है। आई भी वीडियो को आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों के मुंह के अंदर पानी आ रहा होगा, तो आप लोग भी जरूर से एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करिएगा। दोस्तों मैं भी इस वीडियो को ख़त्म करके अब एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेता हूँ। फाइनली इस वीडियो के अंदर बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार के किसी दूसरे वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।